लोगों की नजर तुगलकाबाद मिशन के ऊपर है। जब 19 तारीख को पहली बार उस कमेटी को पता चला उस मंदिर को कोर्ट के आदेश आए हैं गिराने के शहीद करने के, उस समय वहां के कमेटी ने जब हम लोगों को बताया उस दिन से पूरे देश दुनिया में मिशन तुगलकाबाद का विषय चलने लगा और पूरे देश से कन्याकुमारी से कश्मीर गुजरात से आसाम तक इसकी चर्चा हो गई। उसके बाद में बाहर के कंट्रियों के लोगों ने और हमारे धर्मगुरुओं ने हमें बताया गया कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपको उधर ख्याल देना चाहिए। 3 तारीख के दिन हम उस गुरुघर में आए और 3 तारीख से ये संघर्ष हमारा चालू है। उसके बाद में 9 तारीख के दिन वो आदेश आता है कोर्ट के माध्यम से कि उसको वापस शहीद करने का काम प्रशासन कर रहा है। 10 तारीख सवेरे बहुत सारे लोगों को बताया गया था कि उस जगह के ऊपर सबको आना है, लेकिन हमारी लोक संख्या बोलने वाले लोग बहुत नजर आते हैं मुझे, लेकिन वास्तव करने वाले लोग बहुत कम नजर आते हैं। हम लोग 50 लोग भी नहीं थे 10 तारीख सवेरे, लेकिन प्रशासन के सिपाही 3000 सिपाही वहां मौजूद थे और 50 लोग हम क्या करें, लेकिन जितना हमको संघर्ष करना था हमने कर दिया। उसके बाद में उसी समय शाम के समय में उसके बारे में निर्णय लिया गया कि हमें पूरे देश के लोगों को सदगुरु रविदास जी के अनुयायी को वहां बुलाने का। उसमें तारीख 21 अगस्त फिक्स कर दी गई। 21 अगस्त के दिन जो हमारा तुगलकाबाद का सदगुरु रविदास जी के प्रार्थना स्थल को शहीद किया गया उसके बारे में पूरे देश की पहली बार अन्य संगठन दिखाने की कोशिश बहुत कर रहे हैं। सुन लो, रविदास वंश के कुल के लोगों को संदेश दिया गया था। रविदास वंश के कुल के लोगों को, पूरे विश्व के लोगों को संदेश हमारे तरफ से दिया गया था। उसके बाद में जब मैंने दिल्ली में देखा बहुत सारे संगठनों ने हमें घेरने की कोशिश की, उसके बाद में उनको हमने बताया, आह्वान किया
कि आप आ सकते हैं, आपका समर्थन हमें चाहिए। लेकिन वहाँ पर सभी संतों और महापुरुषों ने ये डिसीजन लिया है, सदगुरु रविदास जी के अनुयायी पुजारी विश्व में है, सदगुरु रविदास जी के प्रार्थना स्थल पूरे विश्व में चल रहे हैं, और सबसे पहला उनके सिर के ऊपर इसका बोझ आना चाहिए। इसलिए संतों और महापुरुषों को हमारे तरफ से आह्वान किया गया कि सभी संतों और महापुरुषों को आना है, और सभी संतों और महापुरुषों के नेतृत्व में ये 21 जो अगस्त का जो हमारा धरना प्रदर्शन है वो करना है। हम लोगों ने सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश की, लेकिन मुझे पूरे देश के संतों और महापुरुषों से अभिमान है कि बहुत गर्व से ये लोग आए, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, गुजरात से लेकर असम तक, सब लोग यहाँ आए। लेकिन कुछ कारण हमारा जो संदेश जो मार्च था कि हमारे कारण ठीक संदेश हम नहीं दे पाए, उसका मुझे दुख होता है। अभी भी मैं अपेक्षा कर रहा हूँ पूरे बहुजन समाज के लोगों से और सभी संतों और महापुरुषों के महापुरुषों से, और सबका कर्तव्य बनता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे रविदास लोगों को ही इसको पूरा संभालना है, ये सब बहुजनों की बात है, बहुजन समाज की बात है। आज हमारे ऊपर आ चाहिए है, कल हो सकता है दूसरे के ऊपर आ सकती है, हमें मिलकर रहना चाहिए। लेकिन मिलकर रहने के लिए अपने अपने बात या अपना अपना संगठन, यहाँ बिल्कुल आपके तरफ से हमें नाम सुनना नहीं है। आप आपके संगठन का नेतृत्व दे सकते हैं, हमें बोल सकते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन आप हमारी पिछली बार जो बना बनाए जो सिस्टम थी बिगड़ गई, आगे भी ना बिगड़ाना, यही संदेश मेरा आप सब लोगों को है। ये आंदोलन केवल दिल्ली के लोगों के ऊपर रखा है, 21 तारीख का आंदोलन था ये पूरे देश के लोगों के ऊपर था, लेकिन ये धरना प्रदर्शन जो चल रहा है, जो 168 वीर सिंह हितकारी महाराज है, क्या जैसे रवि साहब है, और बहुत सारे लोग हमारे से जुड़े हैं, आप लोगों को भी हम आह्वान कर रहे हैं, आपको आना है, जुड़ना है, लेकिन शांति पूर्वक इसमें शामिल होके हमें सहयोग करना है। अभी हमारा ये तो आप लोगों को पता चला 21 तारीख का हो गया है, अब इस पूरे देश के अंदर हर राज्य में, हर स्टेटों में, सभी जगह चर्चा डिस्कशन चल रहा है। आपको ज्यादा तो जम्मू से लेकर दिल्ली तक सभी राज्य के लोगों के अंदर भी बहुत तेजी से इसके बारे में डिस्कशन चर्चा चल रही है, संघर्ष भी बहुत बड़े लेवल पे हो रहे हैं। आज जब मुझे परसों रवि साहब से बैठकर डिस्कशन करने का मौका मिला, तो उन्होंने बताया, महाराज जी हम लोग भारती अशोक भारती जी और सब लोग बैठे थे, उन्होंने बताया, महाराज जी आप अकेले बहुत घूम रहे हैं, हम आपके साथ हैं, आप क्या चाहते हैं। मैंने उनको बोला कि हम ऐसे तो घूम रहे हैं, लेकिन हमारा संदेश सरकार की तरफ से ठीक जा रहा नहीं है, इसलिए हमें इकट्ठा होकर एक जगह बैठना बहुत जरूरी है। इसलिए जंतर मंतर पे ये हमने तय कर लिया है, जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगा तब तक ये धरना चालू रहेगा। धरने का पहला रोल वही जमीन, वही मंदिर बनेगा, और उससे बढ़कर सरकार को जमीन देनी पड़ेगी, वो मांग हमारी धरने की पहली है। दूसरे दूसरी मांग 21 तारीख के धरने के लिए जो देश से जो हमारे अनुयायी आए थे उनके ऊपर सरकार की तरफ से अन्याय हुआ है, उनको जेल में जाना पड़ा है, उन लोगों को 96 लोग हैं
बिना शर्त के सरकार ने उनको छोड़ना है। और सदगुरु रविदास जी का वो शहीद किया हुआ प्रार्थना स्थल वापिस सरकार के तरफ से, चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, इनके तरफ से हमें वो मिलना है। दूसरी बात, बहुत सारे संगठन अन्य अन्य तरफ से एक कमेटी बनाकर कमेटी के माध्यम से उसको अपने तरफ खींचने की कोशिश की जा रही है। वास्तव ये आज की जगह नहीं, लगभग 509 साल से वहाँ का इतिहास बताया जाता है। 509 साल के बाद इतिहास को बताया जाने के बाद वहाँ हमारा पोजीशन था, हमारे संतों महापुरुषों की समाधि थी और वहाँ सदगुरु रविदास महाराज जी का बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक स्थल था हमारा। उसके लिए ये पूरे देश दुनिया के लोग जागरूक हुए, संघर्ष कर रहे हैं और ये हमारे को सरकार की तरफ से बहुत जल्द, हम चाहते हैं इसको ज्यादा देर ना किया जाए। अगर ज्यादा देर करेंगे तो सरकार को यह हम बताना चाह रहे हैं कि हमारे समाज के अंदर सबके मनों में बहुत ठेस पहुंची है, बहुत पूरे देश के समाज दुखी है। इस बारे में बार बार हमें कॉल कर रहे हैं कि आगे की क्या नीति है, महाराज आप बताओ। हमारे साधु संत भी बता रहे हैं, अन्य संगठन पूछ रहे हैं, अन्य हमारे जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो भी हमें पूछ रहे हैं। हमने बोला है कि सरकार की तरफ से हमारे दो चार दिन में ये बात पूरे नहीं हो सकती है, तो शायद ये हमारे बस की बात नहीं रहेगी। आगे सरकार को इसके बारे में संभालने का काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है, दुखित घटना है, विश्वव्यापी ये घटना फैल चुकी है। तो इसके लिए सरकार को, हमें इस पंत प्रधान को भी एक बहुत ही हृदय से मांग रख रहे हैं कि बहुत जल्द इसको सॉल्व किया जाए, चाहे डीडी हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो। इन्होंने बहुत जल्द सवाल करना, यही संदेश हमारा है। दो चार दिन इस धरने के बाद हम बाद में अलग इसकी दिशा हो सकती है, ये आपको सबको, अन्य संगठन हो, अन्य बाबा साहब के सिपाही हो, वाल्मीकि महाराज के भक्त हो, कबीर महाराज के भक्त हो, गुरु रविदास महाराज के भक्त हो, इनको दो चार दिन के बाद नहीं ये सवाल होगा तो आगे का संदेश हम इसी स्टेज से पूरे देश दुनिया के लोगों को देंगे। यही संदेश मेरा इस देश के सरकार को और दिल्ली के सरकार को और पूरे संतों और महापुरुषों ने जो हमारे ऊपर जवाबदारी दी है, मैं संतों और महापुरुषों की एकता मिशन के साथ उनको भी समझा रहा हूँ। जो आप लोगों ने मुझे आगे किया है, आने वाले दो चार दिन के बाद जरूर आपको संदेश मिलेगा। अगर ये संदेश चार दिन में हमारे हित में होता है तो हमें समाज को ज्यादा कोई ऐसा ये करने की जरूरत नहीं। लेकिन मेरा ये भी संदेश है कि कोई भी इस आंदोलन में ऐसी घटना ना करे, सरकार के बारे में, देश के बारे में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, शांति पूर्व ये हमारा मिशन आंदोलन तुगलकाबाद का चलना चाहिए। ये मैंने यहाँ के प्रशासन को मेरे ऊपर खुद जवाबदारी लेकर यहाँ हम बैठे हैं। हमें प्रशासन बैठने के लिए परमिशन नहीं दिया जा रहा था, उनको कहा कि ये हमारे सिर के ऊपर जवाबदारी होगी, अगर कुछ भी कम ज्यादा होता है तो हमें इनके लिए जवाबदार है। इसलिए मेरा संदेश है कि कोई भी घटना ऐसी ना हो, शांति पूर्वक ये हमारा आंदोलन चले, यही संदेश मेरा आगे है। आगे और बहुत लोग बोलते रहेंगे, आपका सहयोग की हमें जरूरत है,
आप सिर्फ सहयोग करने की बात करिए और मिलकर चलने की बात करिए, एकता की बात करें। संतों का तेज है, संती बैठेंगे, लेकिन आज के बाद भले चाहे कोई भी आदमी, कोई भी संगठन का आदमी, कोई भी राजनीति आदमी हमारे लिए जो कुछ विचार हमारे हित के देना चाहता है वहाँ से वो दे सकता है, उसके लिए हमारे से परमिशन है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।